हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स यार, आज हम एप्रिसिएशन देखने वाले हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी ये पोएम का। इसके पहले हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड पोएटिक डिवाइस के सेपरेट वीडियो बना के रखे। आज हम एप्रिसिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड बहुत ईजी होता है यार, यानी कि ये 4 मार्क हमारे बकेट में बहुत आसानी से हम ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ 2.7, दैट इज शी वॉक्स इन ब्यूटी, द पोएम रिटन बाय द फेमस रोमांटिक पोएट लॉर्ड बायरन। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जब भी हम एप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं। लास्ट ईयर जब पेंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी, तो कुछ क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने प्रोवाइड किए थे, उसमें भी कुछ ऐसे ही पॉइंट दिए गए हैं। तो वो पॉइंट के हिसाब से हमें यहाँ पे उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है, इट इज़ अबाउट पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटल, यानी कि टाइटल का क्या इम्पोर्टेंस है, ये टाइटल बहुत ही सूटेबल है या नहीं है, पोएट कौन है, कि ये पोएम किसने लिखी है, पोएम है क्या, मतलब व्हाट द पोएम इज अबाउट। तो ये सारा ब्रीफ में लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए, हमें पता है ये जो पोएम है, इट इज़ रिटन बाय फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट लॉर्ड बायरन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोएट का लिखेंगे। पोएट का जब भी हम लिखते हैं ना, तो पोएट की नेशनैलिटी बताते हैं, उनकी स्पेशलिटी अगर कुछ है तो वो बताते हैं, अवार्ड भी और कुछ मिले होंगे तो वो भी बताते हैं, एंड उनका जो भी लिटरेरी वर्क है, जितने भी पोएम्स लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, स्टोरी, जो कुछ भी उनका राइटिंग वर्क है ना, वो थोड़ा यहाँ पे हमें बताना होता है। तो देखिए, दिस पोएम, यानी कि द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी इज रिटन बाय लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने ये पोएम लिखी है। लॉर्ड बायरन कौन थे? सैटरिस्ट। सैटरिस्ट का मतलब है दोस्तों, हमारी लैंग्वेज में राइटर है भैया, वो एक राइटर थे, सैटरिस्ट एंड फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट आफ्टर ट्रैवलिंग टू यूरोप। अभी ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, टेक्स्ट बुक में पोएम स्टार्ट होने से पहले पोएट के बारे में, पोएम के बारे में दिया होता है, वहाँ से ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आफ्टर ट्रैवलिंग टू यूरोप एंड द ओरिएंट, यूरोप भी घूम के आए, फिर द ओरिएंट का मतलब होता है कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशियन, तो वहाँ पे भी घूम के आए थे। ही कंपोज्ड, यानी कि उन्होंने पहला उनका लिटरेरी कलेक्शन जो पब्लिश किया, चाइल्ड हेरॉल्ड्स पिलग्रिमेज, विच बिकेम वेरी पॉपुलर इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इतना पॉपुलर हो गया वो, उससे ये भी बहुत पॉपुलर हो गए। अबाउट पोएम, अभी ये देखो, ये पहले 3 लाइन में हमने पोएट के बारे में लिखा, पोएट के बारे में लिखते टाइम एक सेंटेंस बनाया उनकी नेशनैलिटी का, एक सेंटेंस उसका स्पेशलिटी का, एक सेंटेंस बनाया उनका राइटिंग वर्क का। अगर अवार्ड तो यहाँ पे कुछ दिए नहीं है, इसलिए उसका मेंशन नहीं किया गया। अबाउट पोएम, अभी पोएम के बारे में लिखना है। दिस पोएम, दैट इज शी वॉक्स इन ब्यूटी, इज अ शॉर्ट लिरिकल पोएम, छोटी पोएम है, सिर्फ 3 स्टैंजा की है, यानी कि टोटल अगर हम देखेंगे तो 18 लाइन्स की ये पोएम, शॉर्ट पोएम है, रोमांटिक पोएम है, लिरिकल यानी कि एक सॉन्ग के टाइप ये पोएम ली गई है, सेलिब्रेटिंग फीमेल ब्यूटी। तो ये पोएम में क्या किया है आपको तो पता है, अगर आपने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लो, आपको पता चल जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वहाँ पे। दैट इज फीमेल ब्यूटी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द पोएट ब्रिंग्स परफेक्ट बैलेंस, अभी यहाँ पे क्या किया है पोएट ने, परफेक्ट बैलेंस क्या है, यानी कि परफेक्ट बैलेंस ऑफ इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, यानी कि दोनों को उन्होंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, बैलेंस ऑफ आउटर एंड इनर ब्यूटी, द टाइटल इज सुटेबल। अभी हर एक पोएम का टाइटल हमेशा सुटेबल ही होता है, एंड इट क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ एडमरेशन ऑफ द वुमन्स ब्यूटी। अभी ये जो टाइटल है, शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये टाइटल बहुत ही सुटेबल है, एंड ब्यूटी मतलब दोस्तों यार, किसी फीमेल का ब्यूटी बोलने के बाद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एटमोसफियर बन जाता है,
कि बस हम शायर बन जाते हैं, है ना। तो ये टाइटल की खासियत है। यहाँ पे देखिए, अभी तीनों के बारे में एक एक दो दो सेंटेंस यहाँ पे लिखना होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होता है हमारा, दैट इज फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। हर एक पोएम का एक फॉर्म होता है, एक थीम होती है, या ज़्यादा भी थीम होते हैं, और उसका इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यार, ये जो पोएम है ना, इसके बहुत सारे थीम्स दिए गए हैं। द पोएम हैज़ मैनी थीम्स, बहुत थीम दी गई है, लेकिन जो मेजर थीम है इसका, इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ब्यूटी एंड प्योरिटी। यानी कि दोनों को यहाँ पे अच्छे से बताया गया। सो द पोएम हैज़ मैनी थीम्स बट द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज ब्यूटी। अभी इसके अलावा भी द पोएट प्रेज द आउटर एज वेल एज इनर ब्यूटी ऑफ एन अननेम्ड वुमन। तो पोएट ने क्या किया है, एक अननेम्ड वुमन, एक्चुअली वो अननेम्ड वुमन पता है ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। एंड शी हरसेल्फ डिड नॉट नो दैट द पोएम इज रिटन ऑन हर ब्यूटी। उन्हें ये भी पता नहीं कि ये मेरे लिए लिखी गई है करके, तो इसलिए अननेम रखा गया है। अदर थीम्स आर, अभी ब्यूटी के अलावा भी बहुत सारे थीम्स हैं, जैसे कि प्योरिटी है, देन पीस है, देन हैप्पीनेस है, बहुत सारे यूज़ किए गए यहाँ पे, है ना। ऑफ द डेलिकेट हार्मनी बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट, तो ये भी है डार्कनेस एंड लाइट, ये एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे भी, सॉरी थीम यहाँ पे यूज़ की गई है। नेक्स्ट वाला पॉइंट होता है लैंग्वेज स्टाइल, पोएटिक डिवाइस एंड पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर, इसके बारे में लिखना होता है। तो हर एक का एक एक पॉइंट, अभी पोएटिक स्टाइल कौन से स्टाइल में लिखी गई, लिरिकल स्टाइल में लिखी है भैया, फिर क्या है लैंग्वेज फीचर, इसका फीचर क्या है, एंड पोएटिक डिवाइस। तो देखिए, हर एक पोएम का एक स्टाइल होता है। यहाँ पे ये जो पोएम है, इट इज़ हैज़ अ लिरिकल स्टाइल, यानी कि एक रिदम भी है, इसे प्रॉपर मीटर का यूज़ किया गया है ना। सो द पोएम हैज़ अ लिरिकल स्टाइल, इट हैज़ कॉन्स्टेंट रिदम, एक कॉन्स्टेंट रिदम है। फर्स्ट स्टैंजा में जो रिदम है वही सेकेंड स्टैंजा में है, एंड द सेम इज अप्लाइड इन द थर्ड स्टैंजा ऑल्सो। वो है दैट इज ए बी ए बी ए बी, द पोएम हैविंग थ्री स्टैंजा ऑफ सिक्स लाइन्स ईच। तो वहाँ पे देखिए, ये रिदम या फिर ये स्कीम का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। द लैंग्वेज इज रिच एंड कॉम्प्लेक्स विथ पोएटिक डिवाइसेस। अभी ये जो पोएम की लैंग्वेज है ना, ये बहुत रिच, यानी कि हाई क्वालिटी की यूज़ की, एंड कॉम्प्लेक्स कई की जगह पे थोड़ा डिफिकल्ट, जैसे कि मेटाफर का यूज़ किया गया है ना। पोएटिक डिवाइस में ड्वेलिंग प्लेस है, या फिर रेवन ट्रेस है, या फिर क्या किया है, वो जो वुमेन है नेम, उसको नाइट से कंपेयर किया है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कुछ उन्होंने डिवाइस यूज़ किया गया है। एंड फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्ट टू एनहेंस इंक्रीज द रीडर्स रिसेप्शन, सॉरी परसेप्शन ऑफ द अननेम्ड वुमन। यानी कि वो जो अननेम्ड वुमन है, उनका ब्यूटी के बारे में वी बिकम टू मच ईगर टू नो अबाउट दैट। तो इसके लिए बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए, यहाँ पे लिखा नहीं है। यू कैन एक्सप्लिसिटली राइट द नेम ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच का एक स्पेशल वीडियो बना है, लाइन टू लाइन, हर एक लाइन में जो जो फिगर ऑफ स्पीच है, पॉसिबल फिगर ऑफ स्पीच, वो सारे के सारे ढूंढ के निकाल। तो यहाँ पे आप लिस्ट भी कर सकते हैं यार, पर्सोनिफिकेशन है, एंटीथेसिस है, मेटाफर है, सिमिली है, या फिर इमेजरी है, बाकी तो कॉमन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे, रिपीटेशन अलिट्रेशन तो है ही है। ओके फ्रेंड्स, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट होता है, दैट इज इंस्पिरेशनल मैसेज वैल्यूज एंड स्पीचर स्पेशल फीचर। अभी हर एक पोएम कुछ ना कुछ मैसेज तो दी जाती है, सिमिलरली ये भी पोएम का एक मैसेज है कि आप जब भी किसी के ब्यूटी के बारे में बताओगे, डिस्क्राइब करोगे, तो आउटर एक्सपीरियंस नहीं बताना है, दोनों इनर एंड आउटर, यानी कि उनका नेचर, उनका बिहेवियर, इसके बारे में भी दिखना है। द पोएम गिव्स अ मैसेज दैट बी बहुत सिंपल एंड स्वीट, एक छोटा सा मैसेज दैट परफेक्ट ब्यूटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटर लुक एंड इनर ब्यूटी। परफेक्ट ब्यूटी क्या होती है, किसे कहेंगे हम, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आउटर ब्यूटी एंड इनर गुडनेस। तो ये दोनों को मिला के ही
परफेक्ट ब्यूटी बन जाती है। लास्ट वाला होता है योर ओपिनियन, हमें ये पोएम कैसे लगी रीड करने के बाद। तो ये हमारा पॉइंट्स यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस पॉइंट हैविंग स्पेशल वन मार्क। ये आपके आंसर सीट में जब दिखेगा एग्जामिनर साहब को तो आपको एक मार्क मिल जाएगा। तो इसलिए इसे लिखना है योर ओपिनियन अबाउट दिस। सो आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, यार रोमांटिक पोएम है, अच्छी लगी होगी, आई लाइक दिस पोएम वेरी मच, है ना। सो इट डिपिक्स, क्यों अच्छी लगी, दैट ब्यूटी इजंट अबाउट हैविंग अ प्रीटी माइंड, है ना, प्रीटी फेस, इट इज हैविंग अ प्रीटी माइंड हार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ प्रीटी साउल। यहाँ पे देखिए ये मैसेज, यहाँ पे सॉरी, ये पोएम रीड करने के बाद ये पता चल चुका है कि ब्यूटी का मतलब सिर्फ क्या कहा है, हैविंग प्रीटी फेस नहीं होता है। बहुत बार हम फिसल जाते हैं चेहरा देख के, है ना। तो चेहरे पे मत जाओ यार, ऐसा पोएट ने कहा है, चेहरे पे नहीं जाना है। क्या करना है कि ब्यूटी किसे कहेंगे, कि जिसके पास प्रीटी साउल है, जिसके पास प्रीटी माइंड है, हार्ट है, वो ब्यूटीफुल है। प्रीटी का मतलब ब्यूटीफुल होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट का है प्रीटी साउल, यानी कि जिसका दिल भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो ये पोएम का अपना ओपिनियन है, मे बी योर ओपिनियन वैरी टू माय ओपिनियन, अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रीड दैट पोएम केयरफुली, वॉच ऑल द वीडियोज विच आर स्पेशली मेड फॉर यू। तो चलो मिलते हैं यार अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।